नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेकमग स्टोरी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं आज की मोटिवेशन ये कहानी। आप हीरो हैं या समय की बात है। एक बार राजा का दरबार लगा हुआ था, लेकिन धूप में लगा हुआ था क्योंकि सर्दियों का दिन थे, तो अक्सर राजा चौपाल वहीं लगाया करता था। राजा लोगों की अपील सुन रहा था। अब सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन भीड़ में एक आदमी खड़ा होता है और वही बोलता है कि उसको राजा से मिलना है। मेरे पास दो और इनमें से कौन असली है और कौन नकली, तो मैं राजा से पूछना चाहता हूँ। अब उसकी इस बात को राजा के पास पहुँचा दिया गया और राजा ने उनको चौपाल में आने का आदेश दे दिया। राजा ने उनको अनुमति दी कि बताओ तुम क्या चाहते हो। उसने कहा कि मेरे पास दो हीरे हैं, एक नकली हैं और एक असली हैं, लेकिन आज दिन तक कोई इनकी परख नहीं कर पाया। अगर आप मुझे बता देते हैं कि कौन सा असली है या कौन सा नकली है, हीरे को मैं आपके खजाने में दान कर दूंगा, लेकिन अगर आप नहीं बता पाए आपको इस हीरे का कीमत चुकानी पड़ेगी। राजा ने ये स्वीकार किया और प्रतिक्रिया शुरू हुई। अब सब अपना अपना दिमाग लगा रहे थे, लेकिन हिम्मत किसी में भी नहीं रहा था क्योंकि सबको डर लग रहा था कहीं राजा ये शर्तें हार गया तो क्या क्या पता नहीं हार का ठिकाना हमेशा माथे पर दिया जाएगा। कोई आगे नहीं आया। आखिरकार राजा ने बता दिया कि मैं इसको बता पाने में असमर्थ। अचानक तुरंत ही एक घटना घटी। तभी भीड़ में एक अंधा बुजुर्ग खड़े हुए और बोले कि अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं बता सकता हूँ कि असली हीरे कौन सा है और नकली कौन सा। राजा को प्रसन्नता हुई कि चलो कोई तो बताए। अब उन बुजुर्ग ने एक मिनट में बता दिया असली है और ये नकली है, लेकिन उन्होंने ये कैसे बताया। राजा ने उसको धन्यवाद दिया, आज आपने राज्य की इज्जत बचा ली, अन्यथा हमें इस हीरे जितनी कीमत चुकानी पड़ती। हीरे को महल में ले जाने की तैयारी हुई, लेकिन उससे पहले राजा ने उन बुजुर्ग से निवेदन किया और पूछा कि आप ये बताइए कि आपने इस हीरे की पहचान कैसे किया, जबकि आप तो देख पाने में सक्षम नहीं हैं। जो देख पाने में सक्षम है वो जवाब नहीं दे पाए। अब बुजुर्ग ने बताया, ध्यान से सुनना। उन्होंने कहा कि ये पता लगाना आसान था क्योंकि असली हीरा था वो ठंडा था और नकली हीरा गर्म था। धूप की वजह से जो हीरा गर्म हो गया था मतलब वो कांच से बना हुआ था, और जो असली हीरा था वो धूप में भी शांत रहा यानी वो ठंडा रहा। यही तो खासियत है हीरे की। हम भी तो कभी कभी इतने गर्म हो जाते हैं कि हमें हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, लेकिन हमें हीरे जैसा स्वभाव रखना चाहिए। परिस्थितियां चाहे जैसी हम ठंडे दिमाग से सोचेंगे तो इससे हमारा ही फायदा होगा। कुल मिलाकर बात यही है, हीरा बने कांच नहीं। आपको ये कहानी कैसे लगी कमेंट में जरूर बताएं।